ज्ञानी बुद्ध दिया है। हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा में जाते हैं वहाँ बुद्ध की बातें अवश्य करते हैं, लेकिन जैसे ही वे भारत आते हैं वे श्री राम के गुणगाने लग जाते हैं। तो कैसी है ये दोहरी राजनीति? श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने यूएन में बताया कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। मैं बीजेपी के तिलकधारियों से पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका जाते वक्त बुद्ध क्यों याद आते हैं, जापान जाते वक्त ही बुद्ध क्यों याद आते हैं, चाइना, यूरोप, श्रीलंका इन सब देशों की यात्रा करते वक्त ही हमारे आदरणीय मोदी जी को बुद्ध ध्यान क्यों आते हैं, वे कभी राम जी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं और वह करेंगे भी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि राम काल्पनीय है और बुद्ध यथार्थी। मैं जानना चाहती हूँ कि जब भारत में रहते हो तो वहाँ बुद्ध की याद क्यों नहीं आती, यहाँ केवल राम जी ही याद क्यों आते हैं? बीजेपी के तिलकधारी नेता भारत में बुद्ध का नाम कभी नहीं लेते और ना ही ले सकते हैं, क्योंकि यूनानियों ने एक समय ब्राह्मणवाद और उनके पंडाल का नामो निशान तक मिटा दिया था। इस वजह से वह बुद्ध का नाम कभी नहीं लेते हैं, वह यहाँ राम बनते हैं और विदेश में जाके बुद्ध बन जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।